हमारे देश में आज भी नाबालिग लड़कियों से विवाह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दहेज देने और लेने के नाम पर दहेज लोग भी नाबालिग लड़की से शादी कर रहे हैं और दहेज के आगे कानून भी बेबस नजर आ रहा है। दहेज लोभियों को कानून का कोई खौफ ही नहीं रह गया है। ताजा मामला गाजीपुर जिले में देखने को मिला, जहां एक नाबालिग लड़की शरिता की शादी 2017 में झारखंड के गढ़वा गांव में नवनीत गोस्वामी से कर दी गई। ये शादी हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हुई थी। शादी झारखंड में हुई थी। शादी में ससुराल वालों ने दोपहिया गाड़ी की मांग किया था, जिसे मायके वालों ने देने का वादा भी किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से उसे दे नहीं पाए, जिसके बाद ससुराल वालों ने नाबालिग दुल्हन को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। यहां तक कि दहेज ना मिलने से नाबालिग दुल्हन को मारते पीटते भी थे और खाना बनाने के लिए भीगी लकड़ी तक देते थे। जब लकड़ी जलती नहीं थी और समय पर खाना नहीं बन पाता था तो नाबालिग दुल्हन की पिटाई होती थी, जिसके बाद आज नाबालिग दुल्हन ने महिला हेल्पलाइन नंबर 181 आशा ज्योति केंद्र पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले में महिला हेल्पलाइन इंचार्ज ने बताया कि लड़की नाबालिग है और इसकी शादी झारखंड में हुई थी। एक साल से इसको ससुराल वाले दहेज के लिए मारते पीटते थे और इसको भीगी लकड़ी पर खाना बनवाते थे। ये हमारे पास आई है, इसके साथ इंसाफ किया जाएगा। जबकि ये नाबालिग है, इसे बाल समिति कार्यालय पर रेफर किया जाएगा और इसे इंसाफ जरूर दिलाया जाएगा। धर्मशाला से और मेरी एज उस समय 15 था और इस समय मतलब अपने ससुराल में गई, मतलब उन मेरे जो हस्बैंड है मेरे से अछूत काम मतलब मना रहे थे और मेरी सास है तो लकड़ी धुल के देती थी खाना बनाने के लिए और किसी में टच होते थे तो तुरंत बोलती थी नहाने के लिए। हर एक सामान मार्केट से जो आता था हर एक सामान धुलती थी, पैसा भी धुल के रखवाती थी। और मेरे हस्बैंड जो मारते थे पीटते थे, उनका संबंध भी किसी और से था। ऐसा क्यों मारते पीटते क्यों थे, आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता था? क्योंकि जो मतलब वो हमसे मतलब बोलते थे लकड़ी धूल के मम्मी देती खाना बनाने के लिए, वो जलता नहीं था और हम गैस से बोलते थे बनाने के लिए, इसीलिए हमको उस पर हम मम्मी से बोलते थे मम्मी हम गैस से बना ले, तो इसी पर गुस्सा होकर मारते थे। क्या शादी के दौरान कोई दहेज की मांग किया था उन्होंने? बाइक की मांग किए थे लोग, तो बाइक मामा देने के लिए बोले थे, मामा नहीं दिए तो उसके लिए मतलब हम पे मतलब मारते पीटते हैं लोग। आपको लोग अछूत समझते हैं जी। अब आपकी एज कितनी है, शादी कितने साल हुए आपके? 1.5 साल। एज क्या है अभी आपकी? 16 हो गए। तो क्या चाहती हैं आप किससे न्याय मांगने हैं, क्या आप क्या चाहती हैं? मतलब हम एक साल से मतलब वहाँ पे जा रहे हैं कोर्ट में, मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रहा है मेरा। शादी कहाँ हुई थी आपकी? झारखंड में गढ़वा जिला हुआ था। और आपका मायका कहाँ है? मायका मेरा गाजीपुर में है। और यहाँ किससे मिलने आ पाई हैं? मतलब मैम से मिलने आए हैं, 181 जो है महिला हेल्पलाइन में। यहाँ पे आए जैसे हम तारीख पे जा रहे हैं, उन लोग आ नहीं रहे हैं। तो आप उनके साथ रहना नहीं चाहते? नहीं, उन लोग को सजा मतलब को मतलब सजा दिलवाई है। जो अभी मेरे पास अभी फर्स्ट टाइम आई है ये बच्ची, ये इसके साथ अत्याचार हुआ है पति के द्वारा, ये उत्पीड़ित है, ये मेरे से सहायता लेने के लिए आई है क्योंकि इसकी सास और इसके पति दोनों मिल करके इसे प्रताड़ित कर रहे थे और इसे अशुभ मानते थे और दहेज का भी इनके हस्बैंड ने और वो दहेज का भी लोगों ने डिमांड किया था, इसके जीजा जी ने दिया था इसको मारते पीटते थे और इनका सेक्शन 9 का मुकदमा चल रहा है और ये जानना नहीं चाहती है और ये मेरे से वो कानूनन सहायता लेने के लिए आई है कि मैडम मेरा कुछ करिए ताकि मैं न्याय मिल सके। मैम ये बच्ची एक नाबालिग है, नाबालिग में इसकी शादी कर दी गई तो क्या जी? ये तो पहले से ऑलरेडी ये कानूनन जुर्म है जिसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि उसके कुछ इसको उसको मिल सके, उसको न्याय मिल सके। जैसा कि बच्चे ने बताया है कि इसको भीगी लकड़ी दिया जाता था खाना बनाने के लिए। हाँ तो वो तो रीज़न था ना, वो जान बूझ करके इनके साथ प्रताड़ित करती थी कि लकड़ी नहीं जलेगा तो इसको हम मारेंगे, खाना नहीं बनेगा तो इसको हम मारेंगे। तो आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि हमारे यहाँ तो ये एडल्ट को देखते हैं, हमारे यहाँ केसेस देखे जाते हैं। मैं इनको CWC बच्चों के केस है, क्योंकि 18 साल से कम की बच्ची है तो मैं इनको रेफर करूंगी। और अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।